फ्रेंड्स, ये वर्टिव लाइबर्ट GXT TM प्लस UPS 6 KVA है। इसके थोड़ा सा मैं सेटिंग के बारे में बताऊंगा। और ये बैटरी है, 16 बैटरी है जो 12 वोल्ट आउटपुट देगा। और ये सीरीज कनेक्शन हुआ है, प्लस और माइनस देख सकते हैं। सीरीज कनेक्शन प्लस माइनस इसी प्रकार ये 16 बैटरी को सीरीज में ज्वाइन किया गया है। और आज थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको कैसे हम टेस्ट करेंगे। ये जैसे बैटरी है, अगर आपका इनकमिंग पावर चला जाता है, ये इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, अगर आपका इनकमिंग पावर चला जाता है, मेन सप्लाई आपकी ऑफ हो जाती है जो ग्रिड से आ रही है, ठीक है, तो ये बैटरी पे जाता है कि नहीं जाता। पहली बात तो हम ये चेक करते हैं कि मतलब बैटरी पे आ जाता है कि नहीं, इसका जो आउटपुट है मेन सप्लाई कटने के बाद। दूसरा, ये ग्रिड और बैटरी ये जो दोनों पे है, मतलब दोनों से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरा, ये बाईपास क्या होता है, जो कि ये हमारी बैटरी को बाईपास कर देगा, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे बाईपास बटन जब प्रेस करूँगा तो ये बैटरी जो पूरी है ये आपकी मतलब ये UPS आउटपुट नहीं देगा, 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो जितना भी वोल्टेज आता है वो आउटपुट नहीं देगा। तो बाईपास का मतलब वो जो सामने फ्रंट में MCB आ रही है वहाँ से 230 वोल्ट डायरेक्ट आपको इन सभी पैनल्स में जो PLC पैनल है इसमें जाएगा, ठीक है। तो बैटरी ये आउटपुट नहीं देगा, केवल 230 वोल्ट वो डायरेक्ट ग्रिड से जो है जो आएगा बाहर से लाइन, वो हमारा सप्लाई आउटपुट देगा। तो इसका बाईपास ये हो गया। और बैटरी पे क्या होता है, बैटरी पे ऑप्शन आता है आपका जब बाहर से सप्लाई आपकी कट जाती है, मान लीजिए किसी वजह से टर्बाइन ट्रिप हो गई, तो आपका ये जो UPS जो लगा हुआ है ये बैटरी जो है ये आउटपुट 230 वोल्ट ये निकाल के देगी, जब तक कि आपका ये इस पर टाइम हावर्स रहेगा कि यहाँ कितना बैकअप देती है। बैकअप चेक करने के लिए हमें देखिए कुछ मैंने LED बल्ब लगाया है, ये 100-100 वाट की है LED बल्ब जो है, 400 वाट है, अबाउट 15% लोड रहेगा क्योंकि 6 KVA का है ये UPS। तो अभी मैं इसको एक एक करके बताऊंगा। अभी मेरा जो बाहर से सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट और ये जो है बैटरी से जो आ रहा है इन दोनों को है, ठीक है। तो मैं अभी बाहर की जो सप्लाई अगर ऑन करूंगा तो देखता हूं कि ये बैटरी पे जाता है कि नहीं। बाहर की सप्लाई को ऑफ करूंगा, जो टर्बाइन से आ रहा है या हमारा जो ग्रिड से आ रहा है बाहर से सप्लाई जो आ रहा है, ठीक है, उसको मैं अभी MCB को ऑफ करूंगा तो देखता हूं कि ये UPS काम करता है कि नहीं। ये UPS काम करना चाहिए, ठीक है, अगर बैटरी पे आ रहा है तो हमारा वर्किंग सही है। तो देखते हैं, अभी इस UPS के पीछे जाते हैं और इसको मैं अभी इसका MCB जो है ये ऑफ करता हूँ, ठीक है। मैंने MCB को ऑफ कर दिया, जो बाहर से सप्लाई आ रही थी उसको मैंने ऑफ कर दिया है। ये देख सकते हैं अभी ये बैटरी पे आ चुका है, ठीक है। अब जब ये बैटरी पे आ गया है तो हमारा काम कर रहा है। अब बैटरी का जो लोड है, जो बैटरी अगर हमारी चार्ज रहेगी ना, देखिए ये लाइट हमारी बंद नहीं हुई, इसका मतलब कि ये अभी बैटरी का जो बैकअप है ये सही है। और देखते हैं ये 6.4 आवर्स इस पर लिखा हुआ, 6.4 आवर, ये अगर ये चार LED बल्ब 100 वाट की जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी तो 6.4 आवर्स अबाउट जो है इतना बैकअप देगा, ठीक है। अभी मैं MCB को ऑन करता हूँ पीछे, या बाईपास को जो है, अगर MCB ऑन रहेगी, ये जो पीछे MCB लगी है ये आपकी MCB अगर ऑन रहेगी, ठीक है, तो मैं पहले इसको ऑन करता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। मैंने MCB को ऑन किया, अब अगर मैं बाईपास की बटन को मैं प्रेस करूँगा देख सकते हैं ये है, इसको प्रेस करूँगा तो बाईपास में जो है ये बैटरी बाईपास हो जाएगी और वो जो टर्बाइन से लाइट आ रही है, जो ग्रिड से बाहर से लाइट आ रही है, ये हमारा देखते हैं बाईपास होता है। अब बाईपास होने के बाद भी हमारी ये बैटरी काम करना बंद हो जाए जब बाईपास पे रहेगा तो, और ये हमारी लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं इसको बाईपास बटन को प्रेस करता हूँ, देखते हैं बाईपास होता है कि नहीं। थोड़ी देर बटन को हम प्रेस करते हैं, ये देखिए
लाइट हमारी बंद नहीं हुई और ये बाईपास हो गया है, ठीक है। अगर लाइट बंद नहीं होनी चाहिए और बाईपास हो गया है, अगर हमारी अब जो बाहर ग्रिड से लाइट आ रही है, मान लो हमारा टर्बाइन से चल रहा है, बाहर से अगर कोई भी लाइट हमारी आ रही है, तो जो है ये बाईपास काम करेगा। अगर हमारी जो लाइट है बाहर से वो कट गई है, ग्रिड से लाइट नहीं आ रही है, तो हमारा पूरा पीएलसी सिस्टम जो लगा है ये पूरा बंद हो जाएगा। और बंद होने पे जो है आपका सॉफ्टवेयर भी उड़ सकता है, फर्मवेयर जो है वो उड़ सकता है, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है जो है, ठीक है। तो अभी मैं बाईपास को जो है हटाता हूँ। ये कैसे हटेगा, ऑन बटन को प्रेस करूँगा। मैंने ऑन बटन को प्रेस किया, ये देखिए बाईपास हमारा हट गया है, ठीक है। बाईपास को हटाने के लिए ऑन बटन प्रेस कर दिया, बाईपास हट गया है, ठीक है। तो मैंने अभी इसमें दो चीज़ आपको बताया। अब देखते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स जो कि हमें चेक करना पड़ सकता है कि अभी हमारा करंट लोड कितना चल रहा है, ये हम कहाँ से इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये ऑफ बटन है और ये ऑन बटन है, ये अप बटन है, ये डाउन बटन है, ठीक है। तो मैं अप या डाउन बटन को एक प्रेस कर सकता हूँ, देख सकते हैं ये आउटपुट एसी वोल्ट 229 वोल्ट, ठीक है। और ये बैटरी चार्जिंग का इंडिकेशन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। ये 25% ये जो ऊपर लोड दिख रहा है ये जो है ये रहेगा, क्योंकि अबाउट 800 वाट जब मिलेगा तब ये 25% तब तक रहेगा, और 900 वाट रहेगा तो 50% आ जाएगा इस पे जो परसेंटेज है। तो मैं इस डाउन बटन को प्रेस करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये फ्रीक्वेंसी है इसकी 49.9 या 50 हर्ट्ज। फिर से ये बैटरी 212 वोल्ट डीसी है, अभी ये बैटरी चार्ज है 212 वोल्ट 213 वोल्ट ऐसे डीसी है जो है, ठीक है। अब फिर से डाउन बटन मैंने प्रेस किया, लोड ये है 14-15% इसका लोड चल रहा है, जो ये चारों एलईडी जल रही है हमारी, 14 और 15% लोड है अभी इसका, ठीक है। और ये इसका टेम्परेचर 29.89 है, ठीक है, ये टेम्परेचर है। और ये इनपुट है 224 वोल्ट जो कि बाहर से हमारी लाइट आ रही है, जो ग्रिड से आ रही है बाहर की लाइट, जो सामने हम सीबी दिख रही है वहाँ से भी आ रही है, मतलब कि हमारा बाहर से भी लाइट आ रही है, तो उसका जो है वोल्टेज है फ्लक्चुएशन थोड़ा सा है, ठीक है। और ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है 49.9 है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज एसी है 229 वोल्ट एसी, ठीक है। ये 229 वोल्ट एसी आउटपुट निकाल रहा है ये यूपीएस, ठीक है। और ये 49.9 फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की, ये बैटरी 210 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसको किसी भी होम स्क्रीन पे अगर छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ये वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। इनपुट है, ये आउटपुट वोल्ट एसी है, आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो बाईपास मैंने आपको बताया बाईपास कैसे करते हैं, और बैटरी पे अगर लेना है तो बैटरी पे कैसे चेक करते हैं, और अभी लाइन पे है बैटरी और बाहर ग्रिड से दोनों से लाइट आ रही है तभी ये लाइन पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको चेक कर सकते हैं बैटरी या यूपीएस कैसे करते हैं जो है, और पीछे जो कनेक्शन दिया हुआ इनपुट आउटपुट ये सब लिखा रहता है, आप लोग चेक कर सकते हैं कोई भी यूपीएस लगाएगा तो। ओके।